क्या कर रहे हो भैया? कैफे में वो जो लड़की आई थी वो किटो। मैं यार अनुपमा का किटो बर्गर देख रहा हूँ। किटो बर्गर बहुत फेमस हो रहा है ना? हाँ बहुत फेमस हो रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने भी इसको बना के देखें, ट्राई करके कैसे बनता है, क्या इसका स्वाद है। तो चलो फिर अपने भी बनाते हैं अनुपमा का किटो बर्गर। तो इसके लिए रेसिपी है जो हमने तैयार कर लिया, देख सकते हो। कैप्सिकम वगैरह सारी चीजें यहाँ रख लिया, पत्ता गोभी, चीज, चिली फ्लेक्स और टमाटर। तो चलो फिर अपने बनाते हैं, सीधे लेके चलते हैं तवे पर, देसी घी में बनाएंगे अपने, उन्होंने बनाया है जिसमें भी अपने देसी घी में। चलो फिर करते हैं। अच्छे से सेक लेना सबसे पहले, तो अच्छे तरीके से। किटो बर्गर की बाकी चीजें तो रेडी हो चुकी है, अभी पनीर सिक रहा है, देख सकते हो आप, ये पनीर सिक जाए अच्छे से। उसके बाद में पनीर ज्यादा सिक गया है, रेडी है वैसे, सही है, इतना इतना ही होता है उसमें दिखाया था ना, ज्यादा सिक गया पनीर ये। कोई नहीं, नहीं, नहीं रहता है। ऐसे ही है। अनुपमा का जो बर्गर है किटू बर्गर, उसका बेस रेडी हो गया, सारी चीज रेडी हो गई है। अब इसको कैसे पैक करना है वो बताते हैं, आ जाओ पास में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो गोभी के पत्ते ये ले लेने हैं, पत्ता गोभी के पत्ते, और इसी के साथ आपको यहां रख देना है जो अपना पनीर, और पनीर के साथ कैप्सिकम ऐड कर देनी है, वो अपना आप जितना करना चाहते हो, उसी के साथ टमाटर ऐड कर देना है। और इसी के साथ जो सबसे आप बढ़िया चीज है, इसको एक चीज रख के इधर आपको हॉट चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है, तो ये ऐड करना है और यहां से आपको ऐसे ऐड कर देना है, अपना जितना आप ऐड करना चाहते हो, उसी के साथ फिर एक टमाटर, और उसके बाद में इसको कर देना है ऊपर से पैक। और ये बन गया है, ये आप देख सकते हो, ये बन गया अनुपमा का किटू बर्गर। तो आपने इसको सॉस के साथ, आप इसमें सॉस भी ऐड कर सकते हो, ये आप इसमें सॉस ऐड कर सकते हो। ये अनुपमा का किटू बर्गर जो वो डेली कहती है ना उसमें शो में, और जो फेमस हो रखा है, तो आप भी बना सकते हो अनुपमा का किटू बर्गर। तो मैं इसको टेस्ट करके देखता हूं कैसा लगा मेरे को, लगेगा
पहली बार मैंने अपने हाथों से बनाया है फेमस बर्गर अनुपमा का किटू बर्गर। मेरे को बहुत ही जवाब लगा यार, आप भी बना सकते हो मेरी वीडियो देख के। थैंक यू।